नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वेल एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वर्टिकल गार्डन में। ये वो वर्टिकल गार्डन है जो ठीक सीधा मौलाना आजाद स्टेडियम के सामने यहाँ पर बोर्ड लगाया था केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी का। इन्होंने इसकी ओपनिंग की थी, तब डीसी जो थी मैडम कहीं ना कहीं अग्नि लवासा जी थी, और इस गार्डन के ऊपर 200 करोड़ जो है वो खर्च किया गया था। वो सामने मौलाना आजाद स्टेडियम है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, शायद आप लोगों को ये चीज़ें याद कराना हमारा फ़र्ज है। और ये वो तोड़फोड़ है जो विधानसभा के चुनाव में एक पॉलिटिकल रैली यानी कि भारतीय जनता पार्टी की एक रैली करवाई जाती है, उस रैली में ये तोड़फोड़ की। सबसे बड़ी बात, रिटर्निंग अफसर जो थे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के थे, क्योंकि म्यूनसिपल के तहत ये नॉमिनेशन भरी गई है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने साथ होकर ये सारा तंत्र जो था ये चलवाया। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर किसी की झंडी और डंडी किसी पोल के ऊपर की दिखती थी तो उसको नोटिस आ जाता था कि आपने सरकारी प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसके कहने से तोड़ा गया? देखिए, ये जो पैसा था ये हमारा टैक्सपेयर का पैसा था, जो हम लोग टैक्स देते हैं उस टैक्स से ये चीज़ें बनाई जाती है। यानी कि 200 करोड़ जो खर्चा गया था वो हमारे टैक्सपेयर से वो पैसा जो है एकत्रित किया गया था। लेकिन एक पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, 29 सीटें ले चुकी है, उनके बड़े नेता यहाँ आते हैं। मैं प्रधानमंत्री नहीं बोलूँगा क्योंकि वो यहाँ बड़े नेता के तौर पर आए थे, आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, वो एक बड़े नेता के तौर पर यहाँ पर आए थे और ये तोड़फोड़ दोनों तरफ से कर दी गई। अब मैं आपको बता दूँ, अब आप ये चीज़ें बोल रहे होंगे चुनाव हो गया, आप ये चीज़ें क्यों बता रहे हैं? देखिए, चुनाव हुए कितने दिन हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, सरकारें बनने जा रही हैं, तोड़फोड़ करवा दी गई है, लेकिन कोई इसको रिपेयर करवाने नहीं आया। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस वक्त जो कमिश्नर है, शायद उनको ऐसा लग रहा होगा ये सरकारी तंत्र यानी कि सरकार जो सेंटर में है उसी के तंत्र के तहत आता है। और एक मजे की चीज़ आपको बताता हूँ, मैं आगे की तरफ लेके जाने की कोशिश करूँगा आपको। 200 करोड़ का खर्चा किया गया था और ये वो लाइट्स थी जो ये चलती थी। आगे आपको मैं बताता हूँ, ये इसके अंदर देखिए, पानी तो छोड़िए, इसके अंदर कचरे के जो ढेर हैं वो भी इन्होंने रखे हुए हैं। ये है हमारा वर्टिकल गार्डन जम्मू का, जिसके ऊपर 200 करोड़ का खर्चा किया गया था। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए तोड़फोड़ होती है। अंदर स्टेडियम जिसके अंदर अभी मैचेस भी हुए हैं, उस स्टेडियम को भी नुकसान पहुंचाया गया, जबकि इस स्टेडियम के अंदर आप पॉलिटिकल रैली नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा, हो ही नहीं सकती क्योंकि निर्देश थे। सबसे बड़ी बात, अब सरकारी तंत्र जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन था, क्या वो चीज़ रोक सकता था? अगर कोई और पार्टी अगर ये प्रदर्शन या ये रैली करना चाहती उसको परमिशन मिलती? बिल्कुल नहीं। ये कहा जाता कि आपको परमिशन नहीं मिलेगी क्योंकि आप ये अलाउ नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर हालत देख लीजिए, ये है सरकार में रहने का फायदा। यानी कि आप सरकार में रहेंगे, आप जो मर्जी कीजिए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अब इस तरह से ये जो ग्रिल्स थी, ये ग्रिल्स लगाई गई थी, चार कैसे ठीक करवाएंगे, किस तरह से ठीक करवाएंगे, क्या ये कचरा बताएंगे या ठीक करवाएंगे? नहीं। मैं फिर आपको एक बार बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आए थे, तोड़फोड़ करवाई गई, दोनों तरफ से रास्ता यहाँ से बंद किया गया। उस दिन जब प्रधानमंत्री जम्मू पहुँचे थे तो पूरा का पूरा रास्ता बंद था, और आज लगभग ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा 10 से 20 दिन हो चुके होंगे, ये रैली हुए, सीटें आए, जीत गए, 29 सीटें ली है, लेकिन कोई इसको ठीक करवाने के लिए नहीं। अगर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के उच्च अधिकारी ये चीज़ देख रहे हों तो कोशिश ये कीजिए इसको रिपेयर कराइए, अन्यथा देखिए, अगर कोई आदमी अपने घर में एक ईंट लगाने की कोशिश करता, मकान बनाने की कोशिश करता, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग आ जाते हैं, ये कहते हैं कि आपके पास परमिशन नहीं है, आप नक्शा लाइए, आप ये लाइए, आप वो लाइए, तो इस चीज़ को तोड़ने के लिए परमिशन किसने दी, किसने किसके कहने से ये टूटा? कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि कहते हैं ना, जिसकी सरकार होगी उसका बोलबाला होगा, और बोलबाला इस वक्त केंद्रीय गवर्नमेंट का है, केंद्रीय सरकार का है, जो कुछ मर्जी कीजिए, आपको पूछने वाला कोई है नहीं। बहरहाल, ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। नमस्कार।